तो आज के इस बैच में मैं बताने वाला हूँ कि आप फ्लोर क्लीनर को कैसे बना सकते हो। वैसे तो फ्लोर क्लीनर बनाने के बहुत सारे फॉर्मूलेशन हैं, बहुत से अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये एक सिंपल तरीका है, एक बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप फ्लोर क्लीनर बना सकते हो जितना भी आपके पास नॉर्मली ये रॉ मटेरियल आपके पास रहता ही रहता है, तो इससे आप फ्लोर क्लीनर अच्छे से बना सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी के टाइप का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो सारे मटेरियल यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, या फिर वो सारे चीज़ें आप ऐड करोगे तो आपका प्रोडक्ट कॉस्टली हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपल प्रोडक्ट, एक सादा कम प्राइस वाला प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो तो ठीक है भाई, सीधी बात है, उसमें आपको रॉ मटेरियल में थोड़ा सा प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, एकदम आसान और बहुत ही कम प्राइस वाला प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत ही सस्ते में ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। हाँ, ये क्लीनिंग अच्छी दे देगा आपके फ्लोर क्लीनर में, टाइल्स में, ये सफाई अच्छी दे देगा। बस ये एंटी बैक्टीरियल नहीं होगा, जो भी मतलब फ्लोर क्लीनर में यूज़ होता है उसमें मोस्टली क्लोरोक्सिनोल यूज़ होता है, क्लोरोक्सिनोल बोलते हैं उसको, वो एक एंटी बैक्टीरियल केमिकल होता है, वो खास करके यूज़ होता ही है, लेकिन इसमें मैं वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल एक आसान तरीका है, इससे आप फ्लोर क्लीनर अपने पास जो प्रोडक्ट मटेरियल है उससे आप बना सकते हो। इसके लिए हमें सिंपल प्रोडक्ट क्या क्या मटेरियल क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले कास्टिक सोडा, इसकी मैंने लाई बनाई हुई है, ये मैं एक छोटा सा 200 ग्राम का मैं सिंपल बैच बना के बता रहा हूँ आपको। जो मैं मेज़रमेंट इसमें दे रहा हूँ वीडियो में वो 1 लीटर के बैच का होगा, तो उतने मेज़रमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो और एक अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में कम प्राइस में सेल कर सकते हो। सबसे पहले कास्टिक सोडा, इसकी लाई, दूसरा लगेगा एसिड स्लरी, और ये SLES लगेगा। SLES थोड़ा सा फॉर्म के लिए और हल्का सा थिकनेस के लिए होता है, इसमें आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो, नो डाउट, आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ मेथड बता रहा हूँ आपको किस तरीके से बनाना है, बाकी कौन सा प्रोडक्ट कितना लेना है वो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। आप उस तरीके से अपना प्रोडक्ट लेके, उतना रॉ मटेरियल लेके आप प्रोडक्ट बना के ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले पानी लेंगे और इसमें मैं एसिड स्लरी को हम इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ आपको किस तरीके से एक आसान फ्लोर क्लीनर बना सकते हो। जो भी आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उससे एक आप आसान फ्लोर क्लीनर बना सकते हो। और मेज़रमेंट मैं वीडियो में दे दूंगा, आप 1 लीटर का बैच उस तरीके से बना के ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है भाई। इसमें सफाई होती है, क्लीनिंग आ जाती है, जो भी टाइल्स लादी में या फ्लोर पे जो भी मिट्टी वगैरह के धब्बे लगते हैं वो सब इससे साफ़ हो जाएंगे। तो सिंपली हमारा एसिड स्लरी पानी में घुल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की हम इसमें लाई डाल देंगे। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पीएच में आप अपना दिमाग मत चलाना, इसका पीएच क्या रखना है कैसे रखना है मैं चालू में बता दूंगा। अब इसमें कास्टिक सोडा को भी मिक्स कर दिया है, अब जरा इसका पीएच देख लेते हैं। तो ये मैंने पीएच पेपर ले लिया है, अब इसका ज़रा हम पीएच देख लेते हैं। ये एसिडिक है, इसमें हमें कास्टिक और डाल देना है। और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, जितना हमें एवरेज में एक लो मार्केट में बेचने के लिए चाहिए उस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट आपका रेडी हो ही जाएगा।
अभी सस्ता बनाना है तो भाई थोड़ा बहुत तो हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ फिर हाई प्रोडक्ट टाइप बनाना है तो अलग चीज़ है, उसमें फिर आपको मटेरियल यूज़ करना पड़ते। अब ये इसका पीएच एवरेज पे जितना हमें चाहिए, ये ब्लू है, एकदम डार्क ब्लू नहीं है, क्योंकि इसका पीएच हमें 9 से 10 के बीच में इसको पीएच रखना है। 9 से 10 का पीएच रहेगा, ये थोड़ा अल्कलीन रहेगा, जिससे कि फ्लोर में सफाई थोड़ी अच्छी मिलेगी। अब ये हमारा हो चुका है फ्लोर क्लीनर का मेन पर्पस, मेन प्रोडक्ट। अब इसको हमें थोड़ा क्वांटिटी में बढ़ाना है। सो सिंपल, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी कितना डालेंगे 1 लीटर के बेच में, वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसमें पानी डाल दिया है, इसको कर देते मिक्स। तो अभी ये हो चुका है मिक्स। अब इसमें SLS डाल देंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इस चीज़ की। तो अब इसमें SLS ये घुल चुका है, ठीक है। इसका pH आपको रखना है 9 से 10 के बीच में। SLS इसमें घुल चुका है। अब ये जो ऊपर जो फॉर्म बन चुका है, इसको 1 लीटर का बैच बनाओ या बड़ा बैच बनाओ, करीब आपको 8 से 10 घंटे के लिए इसको छोड़ दो, फॉर्म नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है, जिससे कि ये हल्का सा ठीक हो सके। जितना फ्लोर क्लीनर ठीक होता है बस उतना, अगर ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लोर क्लीनर टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ठीक रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब ये प्रोडक्ट तो इस तरीके का रेडी हो चुका है, ट्रांसपेरेंट। इसमें आप जो भी कलर डालना चाहो, जो भी परफ्यूम डालना चाहो, वो आपकी चॉइस रहेगी। आप कोई भी प्रोडक्ट का परफ्यूम इसमें यूज़ कर सकते हो, नीम है या फिर और भी बहुत सारे फ्लोर क्लीनर आते हैं मार्केट में, उस टाइप का कोई भी इसमें फ्लेवर डाल सकते हो, परफ्यूम डाल सकते हो और कलर ऐड कर सकते हो। इसका pH अपना 9 से 10 रख दो, आपका फ्लोर क्लीनर परफेक्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये रेडी हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी सफाई देगा। ओके, तो अभी तक के वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर किसी को भाई ये सब चीज़ों में भी दिक्कत हो रही हो, तो मैंने इसके पहले के वीडियो में एक प्रोडक्ट मैंने बताया हुआ है, जिससे आप डिटर्जेंट लिक्विड, डिश वॉश लिक्विड, फ्लोर क्लीनर, मल्टीपर्पज़ लिक्विड, आप सब चीज़ बना सकते हो। तो अगर आपको वो चीज़ परचेस करनी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आप इस तरीके से बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उस प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हो। वो एक सिंपल एक ऐसा प्रोडक्ट है भाई, जिससे जो भी नए लोग ट्रेन हो रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, जिन्हें प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, प्रोडक्ट बनने के बाद सप्रेशन आ जाता है या क्लीनिंग नहीं आ रही है, लिक्विड पतला आ रहा है, जैसी कोई भी कंप्लेंट आ रही है, तो उस प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं आएगी। बस आपको प्रोडक्ट को पानी में ऐड करना है और SLS से उसको ठीक कर देना है, आपका प्रोडक्ट कंप्लीट और बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को भी अगर परचेस करना चाहो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लेना। और उस प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करना चाहो तो आप भी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ये आपका फ्लोर क्लीनर रेडी हो चुका है, बस इसका फॉर्म नीचे बैठ जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको थिक कर देना, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।